जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस अध्याय के नाम का अर्थ है परम गोपनीय विद्या। ये विद्या धर्म युक्त या यूं कहिए सभी ज्ञान की राजमाता है। ये विद्या हर प्रकृति और स्वभाव के व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, इस रहस्यमय ज्ञान को जान लेने में चांदी ही चांदी है। अभी तक पिछले अध्याय में हमने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग को जाना और आशा है उसे जाना ही नहीं बल्कि आप लोगों ने अपनाना भी आरंभ कर दिया होगा और अर्जुन के भांति शुद्ध अवस्था में आ गए होंगे। अब जो ज्ञान श्री कृष्ण देंगे वो समझने के लिए शुद्ध मन होना बहुत आवश्यक है। तो मेरे प्रिय जनों, श्रीमद् भगवद् गीता के अध्याय 9 के ज्ञान रूपी गंगा सागर में बहना आरंभ करते हैं और जानते एक नया रहस्य श्री कृष्ण के शब्दों में। भगवान अर्जुन को श्रद्धा के बारे में समझाते हैं कि कुछ मनुष्यों की श्रद्धा भौतिक सुखों को पाने में इतनी ज्यादा होती है कि वो ये भी भूल जाते हैं कि सबका अंत मृत्यु ही है, जिसके कारण वो इस संसार में बार बार अलग अलग योनि में जन्म पाते हैं। लेकिन यही श्रद्धा वो मुझ में लगाए तो इस संसार के सुख और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, इस जग में सब मुझसे ही विस्तारित है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हवा आकाश में तो है लेकिन आकाश पर हवा का कोई असर नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम कृष्ण से हैं लेकिन हमसे उनका कोई विस्तार नहीं है। ये श्री कृष्ण की योग शक्ति है जिससे मनुष्य के शरीर में उनकी ही आत्मा है, जिसका अर्थ है कि हम उनसे ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात हमारा मूल पिता वही है, या यूं कहे जगत पिता वही है और उन्हीं की मर्जी से हमारा भरण पोषण भी हो रहा है। जैसे कि हमने जाना, हवा आकाश से उत्पन्न होती है लेकिन फिर भी आकाश को मलिन गंदा नहीं कर पाती है। ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन अपनी बुराइयों और कर्मों से उनको मलिन नहीं कर सकते हैं। यह उसी प्रकार है जैसे आकाश हवा को अपने से बाहर जाने से सीमित तो कर देता है लेकिन हवा उस आकाश के दायरे में कहीं भी घूम सकती है। उसी प्रकार हम कृष्ण के दायरे में तो है लेकिन कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के अंत में प्रलय द्वारा सब मुझ में विलीन हो जाता है और काल के आरंभ में मैं ही वापस सब रचता हूँ। श्री कृष्ण इसे अपना कर्म बताते हैं और कहते हैं, मैं इस कर्म को बिना किसी भेदभाव के करता हूँ और इससे खुद को बिल्कुल भी नहीं बांधता बल्कि इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ। हमें अपने जन्म को स्वीकार करना चाहिए और कर्म करना चाहिए क्योंकि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता है। बी श्री कृष्ण के अनुसार हमें कर्म बहुत श्रद्धा और ध्यान से करना चाहिए क्योंकि ये हमारे भविष्य की रचना करते हैं और यही हमारे मोक्ष का कारण होते हैं। कुछ लोग भगवान को कोसते हैं, हम तो इतने परेशान हैं और दूसरा इतना सुखी है, तो बताना चाहूंगा कि यह उनके पिछले कर्म अनुसार है कि वो आज संकट भोग कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, जो आज सुखी है वो कल जरूर दुखी होगा और जो दुख की घड़ी में है वो कल जरूर सुख प्राप्त करेगा। दोस्तों, जिस धरती पर हम रह रहे हैं वो दुखालय कहलाता है और यहाँ दुखी और सुखी हर व्यक्ति सांसारिक भोग की आशा में भूल जाता है कि उसको जन्मों तक ये भोगना पड़ेगा, चाहे वो अंबानी जितना आमिर व्यक्ति ही क्यों ना हो। मेरी सलाह तो यही है, निष्काम कर्म और कृष्ण भक्ति भाव में करे और हमेशा के लिए ही जन्म मरण की दुनिया को छोड़ भगवत धाम की ओर चले। दुनिया की रचना का विज्ञान ज्ञान तो सीमित है लेकिन अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग मुझे मानव समझने की भूल कर देते हैं, यह नहीं जान पाते कि यह शरीर मैंने उनके कल्याण के लिए ही अपनी योग माया से धारण किया है। और इस भूल को कृष्ण मूर्खता बताते हैं क्योंकि वह अविनाशी निराकार है और इस जगत के संचालन करता है। कौन से लोग श्री कृष्ण को जान पाते हैं? व्यर्थ ज्ञान रखने वाले श्री कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। ऐसे लोग खुद को समझदार और श्रेष्ठ मानते हैं लेकिन वह कार्य व्यर्थ ही करते हैं जो नर्क की ओर ले जाते हैं और इस जीवन से असीमित काल तक बांधते हैं। राक्षसी स्वभाव के लोग, जो लोभ और लालच जैसे विकारों में आनंद ढूंढते हैं, वो कभी कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। लेकिन देवीय भाव के लोग, जैसे कि आप जो इस ज्ञान को पढ़ रहे हैं, वह श्री कृष्ण को जान लेते हैं और अनन्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं और निष्काम कर्म करते हैं जिससे वह सामाजिक भला भी करते हैं। ऐसे लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं और श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास रखते हैं। ऐसे देवीय लोग बार बार कृष्ण ध्यान करते हैं और अंत में उन्हें ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जो कान्हा को प्राप्त हो जाता है वो जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर परम सुख पाता है। आगे बताते हैं कि ज्ञान योगी श्री कृष्ण को निर्गुण निराकार रूप में भजता है, वो जान जाता है कृष्ण कोई देहधारी मनुष्य नहीं बल्कि परम शक्ति है जिससे ये जगत और हम विस्तारित हुए हैं, अर्थात हमारे जन्मदाता कृष्ण ही है। श्री भगवान बताते हैं कि यज्ञ, मंत्र, अग्नि, स्वधा आदि में ही हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला मूल माता पिता में ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यह मैं ही हूँ। ओंकार में जानने योग्य ओम भी मैं हूँ।
सूर्य का तेज, वर्षा और उसका बरसना भी मैं हूँ, अर्थात आदि और अंत श्री कृष्ण ही है। विद्या के तीन अंग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जो व्यक्ति इन वेदों के अनुसार चलते हैं वो कृष्ण उपासना ही करते हैं और देवों के स्वर्ग को भोगते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सुनिश्चित मैं ही करता हूँ। जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं कृष्णा उनको स्वर्ग भोग प्रदान करते हैं उनके पुण्य कर्मों अनुसार। लेकिन यह जानने योग्य बात है कि स्वर्ग का भोग कुछ समय का ही होता है और जो असत, लोभ, लालच, दुष्कर्म, अपना फायदा इत्यादि की कामना करते हैं वो मृत्यु को ही प्राप्त करते हैं। योग क्षेम वहां, इसका अर्थ है जो मुझे यानी कृष्ण को अनन्य भाव से भजता है उस प्रेमी भक्त की जिम्मेदारी कृष्ण कहते हैं मैं लेता हूं और यह सुनिश्चित करता हूं कि ऐसे भक्तों को सुख शांति और अंत समय में ही प्राप्त हो। दोस्तों, भगवान हर अध्याय में हमें इस दुखालय से निकलने का मार्ग बता रहे हैं जो कि एक रहस्यमय विद्या है। अब इसको समझना और अपने जीवन में अपनाना आपका कर्म है। आगे भगवान बताते हैं अपनी एक और महिमा जिसमें वो उन भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं जो दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं। जो व्यक्ति देवताओं को पूजता है वो उन्हें ही को प्राप्त होता है और पितरों को पूजने वाला अपने पितरों को प्राप्त होता है। लेकिन यह मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये अज्ञानी लोग हैं। ये लोग सिर्फ अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजन करते हैं। पत्रम पुष्पन फलतोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो कृतमिशनामि प्रेतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति से स्वीकार करता हूँ। अर्थात हम जो कर्म करें चाहे वो हमारा खाना ही क्यों ना हो हम उसे कृष्ण को अर्पण करके ही करें। ऐसा करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण हर जगह व्याप्त है, हर किसी में है, लेकिन भक्तों की जिम्मेदारी वो स्वयं ले रहे हैं। श्री कृष्ण यह भी बता रहे हैं कि दुराचारी व्यक्ति भी अगर उन्हें भजे तो वह भी सज्जन पुरुष के समान माना जाता है और उसका कल्याण भी मैं करता हूँ। जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है चाहे वो अमीर गरीब या किसी भी वर्ण का हो वो मोक्ष प्राप्त करता है जो कि अंतिम सत्य है। और जो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता वो अगला जन्म अपने कर्मों अनुसार पाता है, या तो पशु योनि या फिर मनुष्य योनि। इसमें भी मनुष्य योनि कर्म आधारित है जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण यही रहस्य बताते हैं कि हे अर्जुन तू मुझ में ही ध्यान लगाकर निष्काम कर्म कर और हमें भी अर्जुन के तरह ही इस जीवन को अपना युद्ध समझकर कृष्ण भाव में व ज्ञान मार्ग पर चलकर पूरा करना है। बाकी हमारे इस देश में स्वतंत्र तो सभी हैं, जैसे इच्छाएं आए आप कर सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।